बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू आई टी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपने इस वीडियो में हम एडोबी फोटोशॉप का इस्तेमाल करके इनविजिबल या ट्रांसपेरेंट क्लोथ्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं ये सीखने वाले हैं। आइए देखते हैं कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ इस तरह से एक ट्रांसपेरेंट ड्रेस क्रिएट करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक जैकेट हमें नज़र भी आ रही है, लेकिन इस जैकेट के पार हमें बैकग्राउंड इमेज भी नज़र आ रहा है। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम ट्रांसपेरेंट ड्रेस क्रिएट करते हैं एडोबी फोटोशॉप में। सबसे पहले हम फोटोशॉप में वो इमेज ओपन करते हैं जिसे हम बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं फाइल मेन्यू में जाके ओपन के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ और डेस्कटॉप से ये इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेकेंडली, मुझे इस इमेज पे एक ओवरले इस्तेमाल करना है ताकि कुछ डार्कर शेड मैं इस पर यूज़ कर सकूँ। तो मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ और यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल शेप ड्रा कर लेता हूँ, जिसका कलर मैं ब्लैक फिल करने वाला हूँ। यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ डार्क ब्लैक, और यहाँ से मैं रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ इसके ऊपर। तो आप देखेंगे कि ब्लैक कलर ने कवर कर लिया है पूरे इमेज को। तो मैं इस लेयर वन की ओपेसिटी को कम करता हूँ। ओके, यहाँ से आप देखिए कि मैंने इसकी ओपेसिटी कम कर दी। अब ये काफ़ी हद तक डार्कर शेड में हमें इमेज नज़र आ रहा है। इसके बाद अब हमें वो इमेज यहाँ पर लेकर आना है जिसे हम इस्तेमाल करना चाहते हैं फोरग्राउंड के तौर पर। तो मैं फाइल मेन्यू में जाता हूँ और यहाँ से प्लेस एम्बेड के ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करता हूँ और डेस्कटॉप से ये इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। लीजिए, ये इमेज हमारे पास अब यहाँ पर इंसर्ट कर दिया गया है एज अ न्यू लेयर। तो सबसे पहले तो मैं इसे थोड़ा सा रीसाइज करता हूँ। ओके, और जहाँ पे आपको साइज अप्रोप्रिएट लगे, बेहतर लगे, वहाँ पे आप इसे एडजस्ट कर लीजिए। अब इस इमेज में से मुझे बैकग्राउंड को रिमूव करना है, और इसके लिए मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ जहाँ पे हमारा ये फोरग्राउंड इमेज मौजूद है, और हमारे पास सिलेक्शन टूल मौजूद है, क्विक सिलेक्शन टूल। तो मैं क्विक सिलेक्शन टूल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी मदद से मैं इस पर्सन को सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि हम ज़रा क्लियरली काम कर सकें। ओके, तो मैं यहाँ से सिलेक्शन शुरू करता हूँ इस मॉडल की, और लीजिए काफ़ी तेज़ी के साथ हम इसके सिलेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। अगर कहीं पे आपसे कोई मिस्टेक होती है उसे हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि हम लेयर मास्क का इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पर। ओके, और यहाँ से अब मैं इसका फेस भी सिलेक्ट करता हूँ, और ये हेयर सेलेक्ट किए हैं मैंने इसके, और काफ़ी हद तक बेहतर सिलेक्शन हमारे पास हो चुकी है। हम थोड़ा सा एक मरतबा प्रीव्यू कर लेते हैं कि कहीं कुछ पोर्शन जो है वो सिलेक्शन से बाहर ना हो। ओके, सिलेक्शन काफ़ी बेहतर लग रही है। सिंपली जबकि सिलेक्शन हम कर चुके हैं, तो मैं यहां से लेयर मास्क के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं, और देखिए इस तरह से ये बैकग्राउंड जो है वो टोटली रिमूव हो गया और मॉडल हमारे पास अब बच गया है इस इमेज के ऊपर। अब आप देख रहे हैं कि इसके जो हेयर हैं, हेयर के बैकग्राउंड के ऊपर हमें थोड़ा सा जो है वो बैकग्राउंड का शेड नज़र आ रहा है। तो इसे थोड़ा सा क्लियर करने के लिए आपने इस लेयर मास्क पे राइट क्लिक करना है और यहाँ से सिलेक्ट एंड मास्क के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप अपने मास्क को कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड पे दिए गए टूल में से आपने सेकेंड टूल को सिलेक्ट करना है और इसके हेयर पे ला के आपने हल्का हल्का इसे इस तरह से ट्रैक करना है, इस तरह से जो बैकग्राउंड है वो ग्रेजुअली इसके हेयर्स में से आपको रिमूव होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, अब ये सिलेक्शन काफी बेहतर हो चुकी है। मजीद इसे थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि इसके एजेस कुछ शार्प हो जाए, और इसके साथ ही मैं इसे थोड़ा सा फेदर भी करता हूँ। तो अप टू 4 to 5 पिक्सल्स की मैं इसे फेदर दे देता हूँ। ओके, अगर फीदर ज़्यादा लगे तो आप फीदर की वैल्यू को कम भी कर सकते हैं, और इसके बाद सिंपली हम ओके करते हैं। लीजिए, अब हमारा जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इस पर्सन के क्लॉथ्स को ड्रॉ करना है, और इसे ड्रॉ करने के लिए आपको करना क्या है, इससे पहले कि हम ड्राइंग का प्रोसेस स्टार्ट करें, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इस लेयर की आप एक डुप्लीकेट तैयार कर लें। कंट्रोल जे की मदद से एक डुप्लीकेट इसकी बन गई, जिसे फिल वक्त मैं डिसेबल कर देता हूँ, लेकिन हमारे पास बैकअप मौजूद है। अगर किसी पॉइंट पे हमसे कुछ मिस्टेक होती है तो एटलीस्ट हमें सिलेक्शन दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। अब आपने एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है, और इस न्यू लेयर के ऊपर एक्चुअली आपने ब्रश टूल की मदद से इसके ड्रेस को, स्पेशली जो कोट और शर्ट है, हमने इसे ट्रेस करना है ब्रश की मदद से। तो मैं यहाँ से ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ब्रश टूल को सिलेक्ट करने के बाद आपने कंफर्म करना है कि इसकी जो हार्डनेस है वो रहनी चाहिए 80 टू 90 के दरमियान, और साइज़ आप एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। जो आपके ड्रेस का आउटर एरिया है, जो आउटलाइन है ड्रेस की, वो आप थोड़े से बड़े ब्रश के साथ ट्रेस करें, और जो इनर लाइंस हैं या जो कर्व्स हैं ड्रेस के, उसे हम
थोड़े छोटे ब्रश के साथ ट्रेस करने वाले हैं। तो मैं इस वक्त 9 पिक्सल के ब्रश के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं इसे ड्रॉ करना शुरू करता हूँ। ये बात ध्यान में रखें, आपके ब्रश का कलर जो है वो वाइट होना चाहिए, लेकिन इस वक्त देखिए कि ब्लैक कलर में ये ड्रॉ किया जा रहा है। तो मैं कंट्रोल जी की मदद से अंडू करता हूँ और यहाँ से मैं अपना फोरग्राउंड कलर जो है वो बिल्कुल वाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद हम इसे ट्रेस करना शुरू करते हैं। और इस तरह से आपने इसका जो आउटर एज है ब्रश का, उसे आपने ट्रेस करना शुरू कर देना है। तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे ताकि हमारा कुछ टाइम जो है वो सेव हो सके। ड्रेस की आउटलाइन आपने एक कदरे बड़े ब्रश के साथ जो है वो ट्रेस कर ली है। अब हमें ड्रेस के इनर पार्ट्स को ट्रेस करना है और उसके लिए मैं ब्रश के साइज को रिड्यूस करता हूँ और 9 पिक्सल से मैं कुछ छोटा साइज यूज करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 5 पिक्सल का इस्तेमाल करता हूँ इन इनर लाइंस को ड्रॉ करने के लिए। और एक मरतबा फिर इस प्रोसेस को तेज करने के लिए मैं फास्ट फॉरवर्ड का इस्तेमाल करने वाला हूँ। जी ड्रेस काफी हद तक ट्रेस हो चुका है, तो मैं इसे ठीक तरह से देखने के लिए थोड़ा सा जूम आउट करता हूं पहले, और मैं इस इमेज को फिल वक्त यहां से हाइड कर देता हूं और हम देखते हैं कि ये जो हमने ट्रेस किया है ये किस तरह से हमें नजर आ रहा है। ओके, ये काफी बेहतर नजर आ रहा है हमें। अब हमें करना क्या है, सिंपली जनाब अब हमें इस इमेज को रिमूव करना है सिर्फ उन एरिया से जहां पे हमने ड्रेस को ट्रेस किया है। और इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हमने इस लेयर को सिलेक्ट करना है और इस लेयर पे जो लेयर मास्क है उसे हमने सिलेक्ट करना है और उसके बाद दोबारा से हमने ब्रश को सिलेक्ट करना है। और अब की बार हमें कुछ बड़ा ब्रश चाहिए, बल्कि काफी बड़ा ब्रश चाहिए, तो मैं ब्रश साइज को इंक्रीज कर लेता हूं। और ये ध्यान में रहे कि जो आपका फोरग्राउंड कलर है वो ब्लैक होना चाहिए, क्योंकि हमें रिमूव करना है इस पर्सन को यहाँ से। और जो आपके ब्रश की ओपेसिटी है वो 100% होनी चाहिए, तो मैं 100% ओपेसिटी के साथ इसे यहाँ से रिमूव करना शुरू कर देता हूँ। ओके, और ये जहन में रहे बॉडी पार्ट को रिमूव नहीं होना चाहिए, मसलन हम हाथ रिमूव नहीं कर सकते, उसकी फिंगर्स रिमूव नहीं कर सकते, हमें जस्ट उसके ड्रेस का वो पार्ट रिमूव करना है जो कि ट्रेस हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा इस प्रोसेस को भी फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। लीजिए, मैंने तमाम का तमाम अपर ड्रेस जो है रिमूव कर दी और अब आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये ट्रांसपेरेंट वे में हमें अपर ड्रेस पोर्शन नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी के साथ इनविजिबल क्लॉथ्स क्रिएट कर सकते हैं एडोबी फोटोशॉप में।